हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स एचडी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आने वाली नई मूवी जिसका नाम है डॉक्टर जी। डॉक्टर जी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, उसके पोस्टर भी बहुत अच्छे आपको दिख रहे हैं। गाइस, आज पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ कि मूवी में कौन से कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, कब रिलीज होगी। गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस ऐसे ही मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिलती रहे। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत बता दो कि डॉक्टर जी का ट्रेलर हम देखे तो गाइस यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ पर परेशान आयुष्मान खुराना हमको दिख रहे हैं, यानी कि आयुष्मान खुराना इस मूवी में हमको दिखने वाले हैं। आयुष्मान खुराना के साथ हमें रुकुलप्रीत सिंह, सैफ अली शाह भी हमको दिखने वाली है। गाइस, आयुष्मान खुराना काफ़ी समय से अपनी फिल्म डॉक्टर जी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फैंस बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, फिल्म आने का इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों डॉक्टर जी का नया पोस्टर भी रिलीज हो चुका था। करीबन 20 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। ट्रेलर में हम देखें तो गाइस ट्रेलर में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। ट्रेलर में आयुष्मान खुराना डॉक्टर होने की परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, यानी कि परेशानी उनको हो रही है डॉक्टर बनने के लिए। इलाज से नाखुश कभी कभी मरीज, उनके घर वाले उन्हें पीट देते हैं, तो डॉक्टर को गालियां भी खानी पड़ती है। यानी कि आयुष्मान खुराना डॉक्टर से बन रहे हैं लेकिन उनको परेशानी बहुत हो रही है। डॉक्टर जी की कहानी की अगर हम देखें तो गाइस डॉक्टर जी की कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें पहली बार आयुष्मान खुराना एक गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ रूप में हमको दिखेंगे। यहाँ देखें तो गाइस फिल्म में डॉक्टर यानी कि उनका नाम जो है उदय गुप्ता के रूप में दिखाया गया है, जिनका किरदार हमको नज़र आएगा, और उन्हीं के सरनेम पर फिल्म का टाइटल रख दिया गया है, यानी कि डॉक्टर जी। ट्रेलर में आयुष्मान खुराना एक डॉक्टर होने पर गायनेकोलॉजिस्ट बनने की परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ देखें तो गाइस यह हड्डियों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन गाइस गायनेकोलॉजिस्ट फील्ड उन्हें मिल जाता है। मन मराकर यार किसी तरह से अपना काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस कभी मरीज से तो कभी मार खाते हैं, कभी गाली खाते हैं, यानी कि वह डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन गाइस जो उन्हें फील्ड मिला है गायनेकोलॉजिस्ट का, वह उनको परेशान कर रहा है। गाइस, आयुष्मान खुराना की माँ का किरदार में हम निभा रही है गाइस शिवा चड्ढा, और उनकी जो अपने बेटे के गायनेकोलॉजिस्ट बनने पर वो भी बहुत ही नाराज है। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम फेमस यह सैफ अली शाह भी डॉक्टर जी पे मजबूत किरदार के रूप में हमको नजर आने वाली है। वह फिल्म में सीनियर डॉक्टर के रूप में हमको देखने को मिलने वाली है। गाइस, आयुष्मान खुराना की हेड बनी हुई है। आयुष्मान खुराना बार बार उनके शिकायत करते हैं कि मैं पुरुष होने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट बनना उन्हें और सोसाइटी को बेहद ही अजीब सा लग रहा है। इस पर सैफ अली कहती है कि डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। डॉक्टर का यही सीन समाज में गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर रूढ़िवादी सोच पर कटाक्ष करता है। तो गाइस इसी प्रकार इस मूवी में जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर जो पूरे रहते हैं, वहाँ स्त्री होने चाहिए या पुरुष होने चाहिए, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है यह मूवी। यहाँ मूवी जो डॉक्टर जी का निर्देशन अगर देखे तो गाइस अनुभूति कश्यप ने किया है। फिल्म को जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है। डॉक्टर जी की शूटिंग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई है। फिल्म की अगर रिलीज की डेट की अगर बात करें तो गाइस यह फिल्म है 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली, यानी कि आज हो गई 13, यानी कि कल गाइस यह मूवी आपको सभी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस ऐसे ही बहुत सारी मूवी है। आयुष्मान खुराना ऑलरेडी बहुत सारी मूवी बनाए हैं और बहुत लो बजट की मूवी रहती है, और गाइस उनकी मूवी में कुछ न कुछ ऐसा रहता है जो कि हमको हमारे दिल को छू जाए, हमारे दिमाग पर वो छा जाए, यानी कि उसमें कुछ न कुछ ऐसा स्टार रहता है जो कि हमें समाज के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसी रीत को समझना होता है, यानी कि गाइस बहुत ही अच्छा
आयुष्मान खुराना का रोल रहता है, उसकी स्टोरी रहती है। तो गाइस मूवी को अगर आपने बुक नहीं करवाया टिकट तो बुक जरूर करवा लीजिए, कल मूवी रिलीज होने वाली है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा देना। हम नई मूवी और नई मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हम कल फिर मिलते हैं। बाय दोस्तों, बाय बाय।